हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोगों का जो क्लास होगा वो क्लास रहेगा क्लास टेंथ साइंस का। जैसा कि आप लोग देखे थे पिछले क्लास में, क्लास टेंथ के साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पहला वीडियो गया था। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा, क्योंकि वो वीडियो देखे होंगे तो ही ये वीडियो में कुछ समझ में आने वाला है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके और उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। तो इस वीडियो में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट टू, मतलब कि दूसरा लेक्चर चलने वाला है, जहां तक पिछले क्लास में पढ़ाए थे जस्ट उससे आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले माई सेल्फ मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पूरी तरह से जान चुके थे। केमिकल इक्वेशन हमें पढ़ने बाकी थे। तो पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग कि जब कोई अभिक्रिया से नया चीज बनता है, सब्जी बना के देखे थे बहुत सारा नया चीज बनता है, जहां कलर चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, स्मेल चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, कुछ भी चेंजिंग नजर आता है तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, दोनों को मिलाते हैं बन जाता है H2O, उसको हाफ कर दिए जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो स्टेट चेंज हो गया, इधर गैस था इधर लिक्विड हो गया, मतलब केमिकल रिएक्शन है। तो ये ऐसे नहीं, कल का क्लास में हम लोग देखे थे ऐसे HYDROGN हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है और इधर बना आपका वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ये था केमिकल रिएक्शन। और इसी को ऐसे लिख देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन। देखिए ये है रिएक्शन और ये है इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल संकेत में लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। तो केमिकल इक्वेशन की बात करें, यदि हम बात करें केमिकल इक्वेशन का तो डेफिनेशन एकदम साधारण सा है कि केमिकल, ऐसे भी कह सकते टू राइट एज सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस, राइट एज केमिकल रिएक्शन राइट एज सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, एकदम शॉर्टकट डिफिनेशन कि केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, एकदम छोटा सा डेफिनेशन। जैसे हम लिखे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू मिलता है अमोनिया, तो ये आपका हुआ केमिकल रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन। और इसी को संकेत में लिख दे, जस्ट लाइक नाइट्रोजन का संकेत होता है N2, हाइड्रोजन का H2 और अमोनिया होता है NH3। अब थोड़ा बायलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन दो गो यहाँ तीन गो, यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हो जाएगा, नाइट्रोजन एक दो गो यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर, ये भी बायलेंस हो गया। या और भी तरीके हैं बायलेंस करने के, कैसे भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन तीन गो यहाँ तीन से गुना, नाइट्रोजन दो गो यहाँ दो से गुना, ऐसे भी बायलेंस हो, मतलब बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। आखिर क्यों बैलेंस क्यों करते थे, अभी पढ़ाने वाले हैं, आज के क्लास में मिलेगा क्या कि समीकरण को, मैं रासायनिक केमिकल इक्वेशंस को, इसको कहेंगे अब केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। आखिर केमिकल इक्वेशंस को बराबर क्यों किए, दोनों तरफ बैलेंस क्यों किए,
तो ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन, अब ये हो गया केमिकल इक्वेशन, ये है रिएक्शन अब ये है इक्वेशन, बस संकेत में लिख देना है। अब बात है सर संकेत कहाँ से लिखाएगा, तो आपके टेंथ क्लास का जो साइंस बुक है उसका पांचवा नंबर जो चैप्टर होगा पीरियोडिक टेबल, उसमें देखेंगे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें से आप सारा संकेत याद कर लेंगे, परमाणु संख्या याद कर लेंगे, परमाणु भार याद कर लेंगे, बहुत सारा हेल्प आपको उससे मिलने वाला है। अगर नहीं याद करते हैं तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा वो, है ना, तो याद कर लीजिएगा जरूर। आइए तो बात करते हैं नेक्स्ट, आगे यदि हम चले तो ये तो हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया ना, वो केमिकल रिएक्शन हो गया, दो चीज तो हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर इसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसको बैलेंस कर रहे हैं दो तीन से गुणा करके। तो एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, व्हाई डू आई बैलेंस द एनी केमिकल इक्वेशन, हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं, क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, यही क्वेश्चन है। व्हाई डू बैलेंस द एनी केमिकल रिएक्शंस, व्हाई डू बैलेंस द एनी केमिकल रिएक्शंस। तो अब आइए आप देखिए ध्यान से, क्लास नाइन्थ में आप लोग पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, और संरक्षण का मतलब होता है बचाव, जितना है उतने रहना चाहिए, ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा, ना तो नष्ट होगा ना ही उत्पन्न होगा, ये संरक्षण का रूल कहता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसे न तो आप क्रिएट कर सकते हो न तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, बस यह ट्रांसफर होता है, यह ट्रांसफर होता है इधर से उधर, जैसे एक मार्कर का मास होगा तोड़ दिए तो आधा आधा मास अलग अलग हो गया, तो नष्ट नहीं हुआ, आधा आधा मास अलग अलग ट्रांसफर हो गया, तो सिर्फ मास ट्रांसफर होता है। अब आइए केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं, मानते हैं केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं कि N2 प्लस H2 और अभी देखे थे क्या बन गया था N3, कैसे बनता है ये भी आपको हम दिखाने वाले हैं, आखिर ये कैसे बनता है, कंपाउंड नाइन्थ क्लास में पूरे पढ़े होंगे ये कैसे बनता है, अभी जब हम केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से पढ़ाएंगे उससे पहले पहले बैलेंस करने के लिए सीख लेते हैं, उसके बाद ये बनाना सीखेंगे। तो जैसे आप देखिए यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना दिया, नाइट्रोजन का भार जो होता है मतलब मास जो द्रव्यमान होता है वो 14 ग्राम होता है, दो गो नाइट्रोजन है तो दो से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस, हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम होता है दो से मल्टीप्लाई कर दिए, 14 दूनी 28 और दो एकम दो टोटल कितना भार हो गया 30 ग्राम। इधर आइए नाइट्रोजन का 14 हाइड्रोजन का 1 3 गो है तो 3 से गुणा कर दिए तो 14 और 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 17 ग्राम। अब देखिए जो यहाँ था वही चीज ना यहाँ, देखिए एक चीज याद रखेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कोई ए और बी मिल करके सी बना रहा है तो यही दोनों धीरे धीरे घटेगा और ई धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, क्योंकि हनिये दोनों के कुछ भाग यहाँ आ रहा है तो जितना ई है उतने ही बनेगा, 100% रिएक्शन यदि कम्प्लीट होता है तो ये जितना है उतना सब यहाँ जाएगा, अरे जो एकर मास होना चाहिए वही एकर मास होना चाहिए, मास हमेशा फिक्स होता है ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ये 30 ग्राम और इन्हें 17 ग्राम बाकी कहां गया, तो इसको बराबर करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं संतुलित कर देते हैं, यहाँ दो गो था तो दो से गुना कर दिए, अब हाइड्रोजन 3 को पहले से था दो से गुना किए तो 6 हो गया तो यहाँ 3 से गुना कर दिए। अब देखिए ये हो गया आपको 14 × 28 प्लस 1 × 6 तो 14 × 28 और 6 = 34 ग्राम इधर हो गया। इधर आइए नाइट्रोजन 2 गो तो 14 × 2 हाइड्रोजन 6 गो तो 14 × 28 और 6 = 34 ग्राम बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। तो नॉर्मल सी बात है आंसर में क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी पदार्थ का द्रव्यमान न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों कहते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है जिसमें क्या होता है कि द्रव्यमान को न तो बढ़ा सकते हैं और न ही उसको घटा सकते हैं, तो क्या करेंगे, बराबर तो रखेंगे ना, जितना था उतने था तो बैलेंस कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, मिलने से बनता है अमोनिया NH3। अभी अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। अब देखिए तो यहाँ नाइट्रोजन का वेट होता है, मतलब मास होता है 14 दू से गुना, हाइड्रोजन का 1 दू से गुना, 14 × 2 = 28 और 2 = 30 ग्राम। इधर आइए, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 3/3 से गुना, 14 × 3 = 17 ग्राम। क्या दोनों बराबर है? नहीं। यहाँ मास क्या हो गया, कम हो गया, जबकि कहता है कि मास घटाया भी नहीं जा सकता है और बढ़ाया भी नहीं जा सकता है, तो मास घट कैसे गया, गड़बड़ है। तो ये रूल्स आपका क्या हो जाएगा, गलत। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, इसी को देखिए लिखते हैं N2+H2 और इधर NH3, 2 गो नाइट्रोजन 2 से गुना, 3 गो हाइड्रोजन, 3 × 6 गो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 3 से गुना है। अब देखिए, अब ये बायलेंस हो गया। अब देखिए ध्यान से, 2 नाइट्रोजन 14 × 2 + 6 हाइड्रोजन, तो 1 × 6 = 14 × 2 = 28 और 6 = 34 ग्राम। और यहां देखेंगे 2 नाइट्रोजन तो 14 × 2, या ऐसे देखिए ना, नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 1 × 3, अब सब क्या हो गया 2 गो, तो 2 से गुना, सब 2 गो हो गए, पूरा 2 गो, तो 14 × 3 = 17 × 2 कितना हो गया 34 ग्राम। देखिए तो दोनों बराबर आ गया, ये आपका बिल्कुल क्या हो गया, सही। द्रव्यमान को न तो बढ़ा सकते न तो घटा सकते, उसे बराबर रखना था, और बराबर रखने के लिए क्या किया गया, संतुलित किया गया। तो जल्दी से नोट करेंगे, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये दोनों मिलने से NH3 क्यों बना, तो 2 3 ठीक है बैलेंस किया गया, आखिर ये NH3 क्यों बना, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं तो कि ये केमिकल रिएक्शन बनते, मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस लिखने का तरीका, ये रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, ये जो लिखे ना ये कैसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन रहेगा, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका, या तो कहें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ये दूसरा क्लास है ना, @2। तो क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण में यह कैसे लिखा जाता है। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए 1, 2, 3, 4 कितना भी पदार्थ हो जो काम आते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अभिक्रिया होता है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया होने के बाद मिलता है। तो जिसमें अभिक्रिया होता है, जैसे देखे थे कि N2+H2 और क्या मिला था NH3, बैलेंस कर लिए थे, तो इसमें काम हो रहा है और ये बन रहा है, इसमें काम चल रहा है और ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो जैसे ए और बी मिल करके और सी बनाए, एक केमिकल रिएक्शन, ए और बी मिल करके क्या बनाए, सी, तो
तो जो काम किए, जो मिल करके काम किए, तो इसको कहा जाता है प्रतिकारक। ये प्रतिक्रिया में काम कर रहे हैं तो इसको कहेंगे हम लोग प्रतिकारक, और जो मिलता है उसको कहते हैं प्रतिफल। प्रतिकारक को हमेशा बाई तरफ लिखना है और प्रतिफल को हमेशा दाई तरफ लिखना है, और बीच में एक तीर का निशान लगा देना है। और भी इसका नाम है, प्रतिकारक को अभिकारक भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहते हैं। और प्रतिफल का एक और नाम उत्पाद भी इसे कहा जाता है, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो याद रहे, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए प्रतिकारक को बाईं ओर तथा प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है, तथा बीच में एक तीर का निशान, एक एरो, बीच में एक तीर का निशान बनाया जाता है। और समीकरण को संतुलित किया जाता है, लास्ट में क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित कर देना है कि नहीं। तो मास मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग जाएगा। तो बस वही रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए प्रतिकारक को लिखना बाईं ओर और प्रतिफल को लिखना दाईं ओर, और बीच में एक तीर का निशान लगा देना है, और समीकरण को संतुलित कर देना है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं, जैसे कोई कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के कुछ बनाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के कुछ बनाता है, इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखो। क्या ये क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसे। अब क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर कुछ उत्पाद बनाते हैं, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लीजिए। अब सबसे पहले आपको हमें पहचानना होगा कि प्रतिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है। प्रतिकारक जिसमें काम होता है, और प्रतिफल जो आपको प्राप्त होता है या जो बनता है। देखिए क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर, यानी मिलता कौन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, बनता कोची है अमोनिया, तो अमोनिया तो चुपचाप बन रहा है, काम कौन कर रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये प्रतिकारक हो गया, इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये काम कर रहे हैं। बन कोची रहा है अमोनिया, तो अमोनिया को लिखेंगे राइट साइड में, और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, एक तीर लगा देंगे। कहा कि सर हमने तो बना लिया, नहीं सर, ये आपका केमिकल रिएक्शन है, ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन, आपको लिखना है केमिकल इक्वेशन, तो इसको संकेत में चेंज करना होगा। अब नाइट्रोजन का संकेत बुक में देखिएगा, नाइट्रोजन का संकेत N होता है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन आपको याद रखना होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब डबल एटॉमिक गैस होते हैं, डबल एटॉमिक गैस हैं,
और जब डबल एटॉमिक गैस है तो सबके पास दो दो को परमाणु होगा, सबके पास दो दो को परमाणु होगा तो सब में दो दो लग जाता है। इस तरह से आपको इसे याद रखना होगा। तो नाइट्रोजन के जगह पर क्या लिखेंगे, एन टू, हाइड्रोजन के जगह पर एच टू। अब अमोनिया का तो हमें फॉर्मूले नहीं पता है, अमोनिया का संकेत पता नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ये दोनों ना मिलकर बना रहा है तो इन्हीं दोनों से बना लेंगे, इन्हीं दोनों में दोस्ती मिलकर, मैंने इन्हीं दोनों को मिला लीजिए। देखिए मिलाने का तरीका क्या होता है, मिलाने का तरीका यदि आपको आ गया तो कल्याण हो गया, क्लियर। मिलाने का तरीका क्या है, तो एक शॉर्टकट उपाय बताते हैं, याद रखेंगे, एक प्लस एक माइनस के साथ मिलेगा, दो प्लस दो माइनस के साथ मिलेगा। अगर एक प्लस है दो माइनस के साथ मिलाना है इसको, तो इसको में दो से क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा, इसमें दो से क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा, पता चल रहा है। अगर तीन प्लस है एक माइनस से मिलाना है तो इसको में तीन से क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा। हमेशा प्लस और माइनस मिलेंगे, प्लस प्लस नहीं मिल सकता है, माइनस माइनस नहीं मिल सकता है, प्लस प्लस एक दूसरे को हटा देता है, माइनस माइनस एक दूसरे को हटा देता है, प्लस माइनस को सटा लेता है। और एक प्लस एक ही माइनस, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, मिलेगा कब, दोस्ती हुआ कब, जब दोनों बराबर आएगा तब। अगर कम बेसी है कि तीन को प्लस को एक को माइनस से मिलाना है तो इसमें तीन से क्या कर देना होगा, गुणा कर देना होगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो आइए देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाना था तो हम देख लेते हैं किसके पास कितना प्लस है और कितना माइनस है। उसके लिए आपको संयोजकता, इसको नोट कर लीजिएगा, संयोजकता निकालना होगा। तब बात आता है संयोजकता क्या होता है, संयोजकता देखिए वायलेंसी जिसको कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व, सब तत्व है, जितना इलेक्ट्रॉन देता है चाहे जितना इलेक्ट्रॉन लेता है, चाहे देगा चाहे लेगा, वही संयोजकता कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन देता है, देता या लेता है, उसे उस तत्व का संयोजकता कहा जाता है। उसे उस तत्व का क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। और क्या ध्यान में रखना है कि जो देगा प्लस में, देने वाला प्लस में और लेने वाला माइनस में रहेगा। जो देगा वो लाठी लेके खड़ा रहेगा पूरा एकदम तन करके प्लस में, और जो लेगा वो माइनस में, बेचारा कर्जदार हो गया। अब नाइट्रोजन की देखते हैं कि अब कैसे जानेंगे कि कौन ले रहा है और कौन दे रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, कंफर्म है कि एगो दे रहा होगा एगो ले रहा होगा, तो कैसे जानेंगे कि कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। तो आइए देखते हैं, नाइट्रोजन का टोटल सात इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये तो याद रखना होगा बाबा, जो जितना परमाणु संख्या होता है उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है सात, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गए, सात। अब प्रत्येक तत्व इस तरह से अपने, और देखिए जितने भी तत्व है सबके अंदर एक नाभिक होता है और बाहर में क्या होता है, ऑर्बिट होते हैं। अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है, इसको के कहते हैं, इसको एल, इसको एम, इसको एन। पहला घर में दो गो इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर आठ गो, फिर अठारह गो, फिर बत्तीस गो, इस तरह से बढ़ता है। लेकिन अब आगे जोड़ा लगता है, जोड़ा लग के क्या होता है कि पहला घर में दो गो भरेगा, उसके बाद आठ गो, फिर आठ गो, फिर अठारह गो, फिर अठारह गो, फिर बत्तीस गो, और फिर बत्तीस गो, यानी बत्तीस दूनी चौसठ, अठारह दूनी छत्तीस, सौ, आठ आठ सोलह, दो अठारह, एक सौ अठारह। अभी तक टोटल परमाणु संख्या कितना है, अठारह, यानी कि अभी तक टोटल जो इलेक्ट्रॉन का, अरे एलिमेंट का खोज हुआ, एक सौ अठारह एलिमेंट का खोज हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं, अभी तक टोटल एक सौ अठारह एलिमेंट का खोज हो चुका है। वैसे ही इन लोग को भरेंगे, नाइट्रोजन के पास सात गो, पहला घर में रखा दो गो, बचा का गो पांच गो, चाहिए था आठ गो, नहीं है तो पांच गो, तो पांच गो दे दिए। हाइड्रोजन के पास बाबू एक गो रहता है, पहले घर में एक गो रह गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहां एक हमारा आप लोग कोट्स याद रखेंगे, कोट्स बोले तो एक शेरो शायरी वाली बात है, वो क्या है कि जितने भी 118 तत्व हैं सभी तत्व का एक ही सपना होता है,
जितने भी तत्व हैं सारे तत्व का एक ही सपना, बाहरी घर में आठ गो अपना, बाहरी घर में आठ गो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व रखना चाहता है। वो चाहे कोई भी तत्व 118 में से 118 तत्व का एक ही सपना रहता है कि हमारा जो बाहरी घर में है उसको उसमें आठ गो अपना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि सारे तत्व का एक ही सपना, बाहरी घर में आठ गो अपना। अब इसके पास पांच गो है, आठ गो चाहिए, तीन गो इसको मतलब आठ गो पूरा है, तीन गो चाहिए। अब मान लेते तीन गो हमारे पास है तो हम भी तो सोचेंगे कि हमरो आठ गो चाहिए, तो हमारे पास तीन गो है चाहिए पांच गो, इसके पास पांच गो चाहिए तीन गो, तो हम अपन वाला इसको दे देंगे क्योंकि हमारे पास कम था तो दिए तो ये लिया, लिया तो तीन गो माइनस में चल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस तीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस तीन। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब हाइड्रोजन के पास एक गो, इसको सात गो चाहिए, सात गो कोई देगा नहीं तो ये अपन वाला एगो कोई की दे देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा प्लस वन। अब बैलेंस करना, इसके पास माइनस तीन, इसके पास प्लस वन, तो बैलेंस तो नहीं हो रहा है इसे, हो रहा है तो चुपचाप इन दोनों को इसे लिख दीजिए। अब एकर वाला एकरा दे दीजिए, अब एकर वाला एकरा दे दीजिए नीचे, जैसे ये गो था ये तीन गो था, एकरा में तीन से हम बोले थे एक, यहां देखिए एक प्लस है और तीन गो माइनस है, एकरा में तीन से क्या कर देना होगा गुणा, तो दोनों को लिख दिए एन और एच। अब ये एक गो था एच, ये तीन गो था, एच को तीन को पुराना होगा, यहाँ तीन से क्या कर दिए गुणा, बस बन गया एन एच थ्री, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया एन एच थ्री। देखे ना, नहीं पता चला फिर से, बिल्कुल फिर से, ये था नाइट्रोजन परमाणु संख्या सात, दो और पांच सात यानी तीन गो लेगा तो माइनस तीन, ये रहा आपका हाइड्रोजन एक एक सात वो कोई नहीं देगा, ये वो किसी को दे देगा प्लस वन। अब एक कर वाला यहां दे दो, एक कर वाला यहां दे दो, नाइट्रोजन के पास आया एक, हाइड्रोजन के पास आया तीन, बन गया एन एच थ्री। इस रूल का भी फॉलो कर सकते, या वही बात यहां हो रहा है, इसके पास क्या है माइनस तीन है, तीन गो माइनस में है और इसके पास ए गो प्लस में है, दोनों को एक साथ लिख दिए है कि नहीं, तीन गो माइनस तो तीन गो प्लस चाहिए और यहां तीन गो माइनस है, देखो दोनों को एक साथ लिख दो एन एच थ्री, पहले एन एच लिख दो, ये तीन गो माइनस है ये गो प्लस है तो गड़बड़ नहीं है, इसको भी तीन गो होना चाहिए तो तीन से गुना कर दिया, हो गया तीन गो। अब संतुलित करो, अब क्या करना है संतुलित करना है, तो संतुलित कीजिए नाइट्रोजन दो गो यहाँ एक गो, ऊपर वाला से मतलब नहीं, मतलब है नीचे वाला से, यहाँ दो से गुना। अब हाइड्रोजन क्या हो गया, दो तीन गो पहले किए थे, दो से और गुना किए छह गो, यहाँ तीन से गुना कर दिए, बंद हो गया। इस तरह से आपको बनाने हैं, तो सबसे पहले ये संयोजकता आपको निकालने आना चाहिए, जैसे और भी दिखाते हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यही है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। अब इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीशियम को लिखेंगे, उसके बाद क्लोरीन को लिखेंगे और इधर लिखेंगे मैग्नीशियम को। लेकिन ये जो आपका बना है केमिकल इक्वेशन नहीं, रासायनिक समीकरण नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया बन गया, हमें समीकरण लिखना है। तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, क्लोरीन का होता है Cl और मैग्नीशियम क्लोराइड तो हमें पता नहीं है, तो दोनों को मिला के लिख दीजिए। अब केकरा में कितना से गुना होगा वो अभी देख चेक कर रहे हैं। मैग्नीशियम अब देखेंगे, या पहले इसको ना लिखे, कभी छेद छाछ करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम
यहाँ देखिए परमाणु संख्या होता है इसका 12, 12 को इलेक्ट्रॉन है। पहला घर में ही सबका ही रूल्स, पहला घर में 2 को, फिर 8 को, 10 को हो गया, बचा 2 को, 2 को लास्ट में रखेगा, चाहिए था 8 को लेकिन 2 को रखेगा। क्लोरीन के पास 17 को इलेक्ट्रॉन है, पहला घर में 2 को, फिर 8 को, फिर 8 को, 2 × 8 = 10, लेकिन 8 को कहां से आएगा, यहाँ 7। अब देखे तो वही रूल्स लगाएंगे, सभी तत्वों का एक ही सपना, बाहरी घर में 8 को अपना, इसके पास 2 को है, 6 को चाहिए, कोई 6 को देगा, नहीं देगा, 6 को कोई इसको देने वाला नहीं है, तो ये 2 को किसी को दे देगा, तो मैग्नीशियम के पास क्या हो गया 2+। इसके पास 7 को है, चाहिए 1 को, 7 को किसी को नहीं देगा, कोई से 1 ले लेगा, तो इसके पास हो गया 1-। यानी कि आप देख रहे हैं कि MgCl को मिलाएं तो ये 2+ है और 1- है, तो इसमें हमको 2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, इसको 2 को करना होगा, कर दिए 2 को, बन गया MgCl2। अरे दोनों को एक साथ लिखिए ना जी, MgCl। अब इसके पास 2+ है, एकरा पास 1- है, तो एकरा में 2 से गुना करना होगा, यहाँ 2 लगा दिए। अब संतुलित करेंगे, अब क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम 1 हो, मैग्नीशियम 1 हो, ये ऊपर से मतलब ये नीचे से मतलब है, संतुलित करते समय नीचे वाला देखना है, ऊपर वाला नहीं, तो मैग्नीशियम 1 हो, मैग्नीशियम 1 हो, क्लोरीन 2 हो गया, तो यहां 2 से गुना, ये बन गया आपका केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, मजा आ रहा है तो लाइक ठोकते जाइए, मजा आ रहा है तो शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए और बात करते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और सल्फेट मिलकर हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं, इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन H2, बता चुके हैं, सल्फेट का फॉर्मूला होता है बाबू SO4, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है SO4, याद रखना होगा, सल्फेट क्या होता है SO4, और बन रहा है हाइड्रोजन सल्फेट, पहले तो रिएक्शन में ही लिख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट और बना इधर आपका हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपका हुआ केमिकल रिएक्शन, ना कि इसको इक्वेशन कह देंगे, ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ये हमारा रिएक्शन है, हमको बनाना है इक्वेशन। तो संकेत लिखिए, हाइड्रोजन का संकेत H2 और सल्फेट होता है SO4। अब आप देखें कि इसके पास 1+ होता है, देख चुके हैं हाइड्रोजन के पास क्या होता है 1+, दोनों को पहले मिला के लिख लेंगे, दोनों को पहले मिला करके क्या करेंगे लिख देंगे, ये 2-4 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले मिला के लिख देंगे H और SO4, ऐसे लिखेंगे, यानी कि 2 को लिखेंगे नहीं, पहले चुपचाप लिख देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो H ही होता है ओरिजिनल, ये 2 डबल एटम की वजह से लगा हुआ है। अब देखिए इसके पास क्या है 1+, और एक डाटा आप याद रखेंगे, जैसे डाटा आपको याद रखना है, जैसे NO है ना, इसके पास 1- होता है, SO4 के पास 2- होता है, SO3 के पास 2- होता है, यहाँ NO3 के पास भी 1- होता है, आपको CO3 के पास 2- होता है, PO4 के पास 3- होता है, ये सब आपको याद रखने हैं। OH हो गया, OH के पास 1- होता है, ये डाटा आपको याद रखना है। तो SO4 के पास कितना माइनस है, 2- है, इसके पास 1+, और आपको बताया गया है बराबर करना होगा, तो इसमें 2 से गुना करना होगा, तो इसको क्या कर दिया हम 2, अब इसको क्या कर दिया 2, ये नहीं की वाला हम उठा के रख दिए H2, नहीं, 2 को चाहिए था तो 2 से हम क्या कर दिए गुणा कर दिए,
इस तरह से। अब बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन दो को हाइड्रोजन दो को, SO4 SO4 बैलेंस है पहले से। इस तरह से समीकरण को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। क्लियर हो रहा है? और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट कैल्शियम या एल्युमिनियम फॉस्फेट कहते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड से मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड तथा एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ही है। हाइड्रोजन सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड से मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है। पहले से लिख लीजिए, हाइड्रोजन सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड और दोनों मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और क्या बनाता है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये तो केमिकल रिएक्शन हुआ, ये हुआ केमिकल रिएक्शन। अब इसका इक्वेशन लिखना होगा, सबका फॉर्मूला चाहिए। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, यहां दो माइनस यहां एक प्लस, तो यहां दो से क्या कर देना होगा, गुना। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का Al और क्लोराइड बोले तो क्लोरीन। अब एल्युमिनियम क्लोरीन पर आप लोग देखे थे एक माइनस होता है, अभी दिखाए थे 17 2 8 10 7 17। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के पास है 13 2 8 10 और 3 13, चाहिए 5 गो, कोई नहीं देगा, क्योंकि जो 5 गो वो 3 गो ले लेगा, 3 गो देगा तो 3 गो क्या हो गया प्लस, यहां 3 प्लस, तो यहां 3 से क्या करना होगा, गुणा, बनेगा AlCl3। ये क्या बनेगा आपका, AlCl3। उसी तरह से यहां हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन 1 प्लस, क्लोरीन 1 माइनस, यहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल बराबर है, 1 प्लस और 1 माइनस। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम कै गो प्लस है, 3 गो प्लस है, और SO4 आप देखिए 2 गो माइनस है, अब तो गड़बड़ हो गया, 3 गो प्लस 2 गो माइनस बराबर कैसे होगा, तो ये 2 से 1 में 2 से गुना कर दिया और 3 से 1 में गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 द्वितीय 6, एल्युमिनियम को कर दिए 2 गो, SO4 को कर दिए 3 गो, क्या दिख रहा है, 2 गो था 3 से गुना कर दिए 3 गो था 2 से गुना कर दिए, मैंने 1 वाला से 1 में गुना कर दिए 1 वाला से 1 में, मैथ में जैसे विलोपन विधि पढ़ते हैं, तो ये Al2SO4 3 बन गया। अब लिख लीजिए सबको, यहाँ पे क्या बना, H2SO4 प्लस, यहाँ के पर क्या बना, AlCl3, पावर लिखने की कोई ऊपर वाला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां क्या बना HCl, यहाँ क्या बना Al2SO4 का होल थ्री। अब संतुलित कीजिए, हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन 1 गो, गलती बात है, यहाँ 2 से क्या कर देंगे, गुना, यहाँ 2 से क्या कर दिए, गुना, SO4 1 गो और SO4 3 गो, बेटे यहाँ 3 से करना होगा गुना। अब हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6 गो, यहाँ 6 से करना होगा गुना। अब क्लोरीन हो गया 6 गो, तो क्लोरीन यहाँ 3 गो है, 2 से गुना, 2 तिया 6, और एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो, हो गया बैलेंस। तो कितना भी बड़ा से बड़ा समीकरण क्यों ना हो, आप इस रूल से बना करके उसे आसानी से अच्छा कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट करेंगे।
जल्दी से नोट करेंगे। चलिए हो गया होगा नोट किया हुआ। नेक्स्ट आप बात करते तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन बन रहे हैं, हम एक दिन पूरे बहुत सारा केमिकल रिएक्शन स्पेशल लेकर के आएंगे। आपके बुक में जितना भी दिया हुआ है सारे केमिकल इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे। ओके, आज अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, लेकिन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्पेशल क्लास में हम आपको देंगे, जो कि मिलेगा आपको अगले क्लासेस में। तो यदि मजा आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, दिल से धन्यवाद।